निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर स्थित शासकीय महाविद्यालय में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा बच्चों को कोविड-19 बीमारी की तीसरी लहर से बचाव के लिए कोविड केयर किट वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बच्चों के लिए कोविड किट का वितरण किया। कार्यक्रम में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के मनीष शर्मा द्वारा केंद्रीय मंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। अपने स्वागत भाषण में फाउंडेशन के मनीष शर्मा ने कोविड-19 की पहली लहर से आज तक किए गए बच्चों एवं बड़ों के बचाव के कार्य को विस्तार से बताया। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन कोविड की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए एक बार फिर से देश भर में सक्रिय हो गया है। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश के 8 जिला अस्पतालों, 114 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन और 250 पंचायतों में कोविड केयर किट का वितरण करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान बाल श्रम, बाल दुर्व्यापार एवं कठिन परिस्थितियों में फंसे हुए बच्चों का बचाव कर उनको शासकीय योजनाओं से जोड़ने का काम भी कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन ने किया है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन अपनी सहयोगी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन के साथ मिलकर कोविड महामारी के शुरू से ही देश भर में बच्चों एवं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। कोविड केयर सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट वितरण का कार्यक्रम संस्थान के द्वारा किया गया और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पूरे प्रदेश में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का वितरण फाउंडेशन के द्वारा किया जाना है। उसके लिए स्थान पृथ्वीपुर चयन किया गया और यहाँ प्रतीक स्वरूप वितरण किया गया। आगे जाकर ये 116 बाल गृहों, 250 पंचायतों और 8 जिलों में ये सारा वितरण का कार्यक्रम किया जाना है। मैं आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी से काफ़ी लंबे समय से परिचित हूँ और उन्होंने बाल श्रम उन्मूलन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी टीम भी जो है ना अनेक स्थानों पर खतरा मोल लेकर इस तरह से जो बच्चों को बंधक बना के रखा जाता है उन बच्चों को छुड़ाकर उनका पुनर्वास, उनकी शिक्षा, उनके रहने की सारी व्यवस्थाएँ जिस ढंग से उस काम को उनके द्वारा किया जा रहा है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। और कई बार अक्सर ये होता है जब कोई आपदा आती है तो उसमें सरकारें तो अपना जिम्मेवारी को पूरा करती हैं लेकिन सरकारी जिम्मेवारियों के साथ ही साथ सामाजिक सहयोग की भी आवश्यकता होती है। और जिस तरह से कैलाश सत्यार्थी जी ने फाउंडेशन के माध्यम से कोविड केयर के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं ये एक बहुत ही सराहनीय और अनुकरणीय है। बाकी अन्य जो NGO हैं और सामाजिक संस्थाएँ हैं उन सबको भी इससे प्रेरणा लेकर कि किस तरह से कि देश तो हमें सब कुछ देता है लेकिन हम भी देश के लिए कुछ देना सीखें उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण कैलाश सत्यार्थी जी के फाउंडेशन के द्वारा किया जा। उमरिया जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में